हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे गूगल क्रोम के अपडेट्स के बारे में, और ये अपडेट क्या है, ये कब तक बंद होने वाला है, इसके बारे में पूरा वीडियो होने वाला है। तो अगर आप लोग लैपटॉप यूजर हो, डेस्कटॉप यूजर हो, ये क्रोम यूजर हो, क्योंकि हर कोई आज के टाइम में अगर कोई भी चीज सर्फिंग करता है या इंटरनेट यूज करता है तो जाहिर सी बात है गूगल क्रोम पे ही ज्यादातर लोग यूज करते हैं कि भाई गूगल क्रोम खोलो और उसपे जो भी टाइप करना, जो भी सर्च करना, उसी के थ्रू करते हो। तो इसके बारे में पूरा वीडियो होने वाला, लोग पूरा वीडियो पे बने रहिए, तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलने वाली। अब बात करते हैं, देखिए माइक्रोसॉफ्ट जैसे अपना विंडोज चेंज करता उसी तरीके से गूगल क्रोम, मतलब गूगल का ही एक प्रोडक्ट है, गूगल कंपनी का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ही कह सकते हो उसको, वो अपना अपडेट लाता रहता है, ठीक है ना। जैसे कि बात करते हैं, अब माइक्रोसॉफ्ट के साथ उसका तो चल ही रहा, विंडोज आता है, गूगल क्रोम भी आता है, सारी चीजें आती हैं। अब विंडोज अभी क्या किया है गूगल क्रोम में, अपना जो ओल्ड वर्जन है, ओल्ड वर्जन 109 जो इसका ओल्ड वर्जन उसने माना है, इसका जो है फरवरी से इसका सपोर्ट बंद कर रहा है। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज 7 का बंद कर दिया, एक्सपी का बंद कर दिया, ठीक है ना, उसी तरीके से इसने भी बंद कर दिया है। और ये 15 जनवरी से जो विंडोज जो यूजर है वो उनको कोई अपडेट नहीं मिलेगा, ठीक है ना। और ये किस विंडोज पे नहीं मिलेगा, अभी इस पे बात करेंगे। देखिए, जैसे कि विंडोज बहुत पुराना हो गया, विंडोज 7 का अपडेट बंद हो गया, विंडोज 7 या विंडोज 8.1, इस पे जो है 109 का अपडेट नहीं मिलेगा। मतलब अगर ये यूज कर रहे हो आप, तो इस पे आपका केवल चलेगा विंडोज जो अपडेट वर्जन है उसका चलेगा आपका क्रोम, लेकिन उसका कोई सिक्योरिटी पैच, कोई भी अपडेट्स, नया अपडेट नहीं आएगा। उसके लिए क्या किया उसने, उसका क्रोम का 110 जो 110 वर्जन आ रहा है वो लॉन्च करने वाला है, उसके लिए उसमें क्या सपोर्ट करेगा, उसके लिए आपको मिनिमम विंडोज 10 होना चाहिए, विंडोज 10 फिर से ऊपर। तो जाहिर सी बात है विंडोज 10 मिनिमम हो गया तो ऊपर का 11 12 जो भी आएगा सब पे सपोर्ट करने वाला है। उसके साथ ये है कि वो अगर आप इंस्टॉल करते हो तो आपको अपडेट मिलेंगे, सिक्योरिटी पैच के अपडेट मिलेंगे। जैसे कोई बग्स है आ गया है, या कोई मतलब कोई जैसे बीच बीच में बग आते रहते हैं गूगल क्रोम में, काफी आए इस साल 2022 में देखा जाए तो उसको फिक्स किया गया, तो उसके साथ इसको आपको अपडेट मिलता रहेगा डे बाय जब भी उनका अपडेट आएगा। लेकिन जो 109 की बात करें, जिसको वो एंड ऑफ लाइफ कर रहा है, उसको क्लोज कर रहा है और उसका सपोर्ट भी बंद करेगा, उसमें नुकसान ये होगा आपका कि कोई पैच अपडेट नहीं मिलेगा। आप बस अपने रिस्क पे उसको आप यूज कर सकते हो, अगर कोई वायरसेस आया, कुछ भी आया, तो वो आप नहीं कर सकते उसको, उसको वो डिपेंड नहीं कर पाएगा। रीजन ये है कि देख तो विंडोज भी अपडेट नहीं होगी भाई, वो भी एंड ऑफ लाइफ हो चुकी है विंडोज 7, तो ये भी एंड ऑफ लाइफ होगा, तो आप कहीं ना कहीं एक एंड ऑफ लाइफ प्रोडक्ट को यूज कर रहे हो। तो इससे बेटर आपको अगर विंडोज गूगल क्रोम का 110 वर्जन यूज करना है तो आपको अपना विंडोज अपडेट करना पड़ेगा, पहला ऑप्शन विंडोज 10 में अपडेट करना पड़ेगा। आप 10 में अपडेट करेंगे तो वो चाहे जो भी हो, 10 11 समथिंग जो भी है, आप फर्स्ट में ये अपडेट कर लीजिए तो आपको उसके साथ क्रोम का अपडेट वर्जन मिलेगा, पैचेस मिलेंगे, जो भी अपडेट आएगा, जो भी उसमें पैचेस एक्स्ट्रा किए जाएंगे वो आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो ये गूगल क्रोम की तरफ से अपडेट है, ठीक है ना। अब उसका कहना ये है कि देखिए, आप यूज करना चाहो तो यूज कर सकते हो, लेकिन वो अपने रिस्क के ऊपर है। विंडोज 8.1 की बात करें तो उसमें भी आप 109 जो 109 वर्जन है, ठीक है ना, वो आप यूज कर सकते हो, ऐसा नहीं कि बिल्कुल वो चलेगा ही नहीं, चलेगा लेकिन कोई भी अपडेट नहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से अगर आप चाहो तो आप अपना अगर यूज करना चाह रहे हो, कोई नया वर्जन आपको देखने को मिल रहा है, अच्छा वर्जन मिल रहा है, तो आप अपना विंडोज अपडेट कर लीजिए, 7 की जगह आप 10 यूज करिए, 8.1 की जगह आप कुछ भी कर सकते हैं, मतलब लेटेस्ट वर्जन चाहिए, एटलीस्ट कम से कम विंडोज 10 चाहिए होगा, तब आपका ये सारी चीजें काम करेंगे। इससे क्या होगी, आपका थोड़ा सा सिक्योरिटी भी रहेगी, क्योंकि हर एक को आज की डेट में सिक्योर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि हैकिंग के तो ऐसे ऐसे कांड हैं, कुछ कहने की बात नहीं है, आप लोग जानते भी होंगे आजकल क्या चल रहा मार्केट में, ऐसे ऐसे तरीके आ गए हैं, तो उनसे बचने के लिए देखिए कहीं ना कहीं एंटीवायरस होता है, आपका सिक्योर करता है, लेकिन ब्राउजर पे भी तो आप लोग कुछ ना कुछ टाइप करते हो, कुछ ना कुछ सर्च करते हो, तो वो कहीं ना कहीं इंटरनेट से तो कनेक्ट होते हो ना, तो ब्राउजर भी सिक्योर करता, पहले वाला ब्राउजर नहीं रह गया अब बहुत, उसमें क्या था, उसमें तो कुछ भी नहीं था, प्रॉक्सी सब होता था, अभी भी प्रॉक्सी है, लेकिन अब गूगल क्रोम वगैरह में इतना ज्यादा मतलब मॉडिफाई कर दिया गया। और गूगल क्रोम के साथ एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा लास्ट में,
कि देखिए अगर भैया आपका पीसी में 2 GB रैम है तो गूगल क्रोम तो वैसे भी 1-1.5 GB रैम ले लेता, आपका पीसी वैसे भी स्लो हो जाएगा। मैं उसकी बुराई नहीं कर रहा हूँ, वो गूगल क्रोम का मतलब इतना हैवी होता ही होता। अगर आपके पास स्लो पीसी है तो उसमें आप मत इंस्टॉल करो, उसकी जगह पे आप मोज़िला फायरफॉक्स यूज कर लो, बेटर रहेगा। अगर आपका पीसी ठीक ठाक कॉन्फ़िगरेशन का है, 4 GB रैम के साथ कम से कम है, तो अच्छा चलता है। हम ये नहीं कहते कि 2 GB में 1 GB में नहीं चलेगा, चलेगा, लेकिन वो फिर वही रो रो के चलेगा, उससे आप परेशान होगे, आपको इरिटेशन होगी, कोई चीज सर्फिंग कर रहे हो तो आपको बहुत स्लो लगेगा। तो इससे बेटर है आप अगर कोई ऐसा करिए जिसमें आपका पीसी अच्छा हो, परफॉर्मेंस अच्छी दे। ये आप लोगों को डिसाइड करना है आपको क्या करना है, ठीक है दोस्तों। आई होप आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगेगा, अगर अच्छा लगे तो दोस्तों में शेयर कर देना और हमारे चैनल पर लाइक कर देना, और नए हो तो सब्सक्राइब कर, कमेंट करके बताना कि हमारा वीडियो कैसा लगा। ये गूगल क्रोम का नया अपडेट जब आएगा तो आप लोग जरूर यूज करना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं एक नए वीडियो में ऐसी ही टेक जानकारी के साथ। थैंक यू।